चलो मैडम सीट बेल्ट। हाँ ठीक है, थैंक यू। ऐसे क्यों घूर रही है, कहीं मैंने इससे भी बेटिंग से पैसे तो नहीं हारे? शकल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, पूछ लेता हूँ मैं। मैडम मैंने पहले कभी आपको देखा है? इससे पहले क्या हम कभी मिले? मिलने की बात कर रहे हो? रात को तो गाड़ी क्यों रोक दी? पूलिंग मैडम, आपने कार पूल में बुक किया है ना? पूलिंग? हाय रे मेरी किस्मत। प्लीज प्लीज, अरे मेरी बात सुनो। अरे उन पैसों के लिए तो मैं इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ, तू अपना मुंह बंद कर। अरे मेरा दहेज है, मुझे ही चाहिए ना, और किसी को देने की तो बात नहीं कर रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको? जवाब तो दो, मेरा पैसा मुझे ही चाहिए। मेरा नाम कुमार मोहन है, प्यार से आप मोहन कह सकते हैं। जवाब क्यों दे रहे हो? मैं अकेली क्या बकवास किए जा रही हूँ? तुमने क्या किसी संगीत कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया क्या? इतना चिल्ला क्यों रही हो? नमस्ते श्रोताओं, मेरा नाम है कल्याणी। 6 महीने तक मैंने अपने बॉयफ्रेंड की हर बात मानी, पर अब वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूँ आप ही बताइए। जब प्रोफेसर पढ़ा रहा था तब ध्यान कहीं और था, और अब तुम्हारी जैसी लड़कियाँ पूछती है एग्जाम कैसे पास करें? मतलब अबे, अरे अगर एग्जाम में वो लड़की फेल हो गई है तो आप मुझे क्यों घूर रही है? What happened brother? अरे इस ब्रेक से तो मेरी आत्मा बाहर निकल कर वापस आ गई। कुछ नहीं सर, जब से उठाऊ तब से बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, जैसे बॉडी में करंट दौड़ रहा है, लेकिन जानता नहीं कैसे। इसमें जानना क्या है ब्रदर, या तो तुम बिजली से टकराए हो या फिर बिजली जैसी लड़की से। अरे, थोड़ी देर के लिए चुप नहीं बैठ सकते क्या? मैडम कहीं आपने सुबह नाश्ते में बॉम्ब तो नहीं खा लिया क्या? नहीं, जब से गाड़ी में बैठी है बॉम्ब की तरह फट रही है। पागल, वो एक्चुअली मैडम जी का सुबह से मूड खराब है, जाने दीजिए। मूड ठीक नहीं है, ऐसा लगता है रात भर पार्टी में मजे किए हैं इसलिए मूड खराब है। हाँ अब याद आया, कल आप भी पार्टी में थी ना? अरे बस करो। मैडम 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 मेरे पैसे प्लीज। What happened man? और बहुत पकड़ा जाता हूँ मैं। अरे हाँ? कहाँ था, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। उस लाल साड़ी वाले को कुछ चाहिए, जरा पूछ कर तो आ। जानू, हाँ? बड़ा बेटा उठा गया? आप नया चाकू लाए क्या? अरे जाके देख ना। जा रहा। सुबू मैं अच्छी लग रही हूँ ना? अरे मैंने पूछा मैं अच्छी लग रही हूँ ना, जरा एक बार अपने पापा को बुलाएगा? क्यों आंटी? क्योंकि पास वाला घर खाली हो गया है और वहाँ से तो दूरबीन के बिना ही मेरा बेडरूम साफ नजर आता है। सच में आंटी? चुप, दूरबीन दे दे। और एक बार झांका ना तो मार डालूंगी तुझे। बच गया। प्लीज आंटी मत बताना। क्या बताने से मना कर रहा है? अच्छा ये है, कल रात तो घर पर नहीं था, ये बात पापा को मत बताना। पापा उठ गए क्या टाइम से पहले? अरे कुछ तो कर यार, बचा ले यार, प्लीज प्लीज। जब से नौकरी पर लगा हूँ फ्री में किसी के लिए काम करने का मन नहीं करता। अच्छा ठीक है, ये रख और कुछ मैनेज कर, ये ले खुश रहे। तुझे मैं क्या कोई छोटा बच्चा लगता हूँ? ठीक है मैं पापा को बता दूंगा, तू संभाल लेना। अरे सुन 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 सुन, तुझे एक बढ़िया सी दूरबीन खरीद कर देता हूँ। ये बात इसे कैसे पता चल गई? ठीक है बड़ा भाई, इसलिए डिस्काउंट दे रहा हूँ।